मैं सतिंदर सत्ती एंड वेलकम टू माय सोल ब्लॉग्स। आजकल लोग चिंता बहुत करते हैं, मतलब हर चीज़ का फिक्र हर इंसान नू बहुत लगता है। और तुसी वेख्या कि या तो असी बीत गए दे विच पास्ट दे विच जी रहे हुन्ने आ, ते या असी फ्यूचर च जी रहे हुन्ने आ। मतलब इंसान की ये आदत हो गई है कि वह प्रेजेंट दे विच बिल्कुल भी नहीं जींदा, या तो वह पिछलियां यादा च जो पास्ट बीत गया है उहदे च यादा च जींदा कि ओहो मेरे नाल इदां हुंदा सी, मैं इन्ने सोहणे घर च रहिंदा सीगा, मैं हुण की हो गया मेरे नाल, मेरा एडा बिजनेस सी, मेरा इन्ना मान सम्मान सी, हुण दुनिया मैनूं पुछदी नहीं है। ते या फिर वह फ्यूचर च कि चिंता दे विच कि काश मेरे नाल इदां हो जाए, इस तरह का कुछ होएगा ना तो मैं इस तरह करांगा, वह भविख दीआं योजनावां दे विच जी रहा हुंदा। तो उहदे विच सब तो वड्डी जिहड़ी मुश्किल हुंदी है कि साडे कोल अज जो है ना तो असीं उसनूं मानने हाँ ना उसनूं हंडाने हाँ। तो उहदा कारण इह हुंदा है कि बहुतियां चीज़ां तुहाडे हाथ चों ना रेत वांगू निकल जांदियां ने। तुहाडे कोल जो हुंदा है, परमात्मा ने जो तुहानूं दित्ता हुंदा है, तुसीं उहनूं मानदे नहीं हो। और इस चीज़ दे लई तुसीं याद करो कि पिछे तुसीं बहुत अरदासां कीतियां होणगियां, बहुत कोशिश कीती होएगी। जे तुहाडे कोल मारुति कार सी ना तो उहदे लई वी तुसीं बड़ियां अरदासां कीतियां होणियां जदों तुसीं स्कूटर ते होवोगे। जे तुसीं अज कैनेडा बैठे हुए हो तो बड़ियां बड़े गुरद्वारियां च मंदिरां च गए होणे हो कि मेरा वीज़ा लग जाए, पर अज तुसीं उत्थे जा के वी कई बहुते तंग ने। सोचण दा विशा है कि जीवांगे कदों और किवें जीवांगे, ये बड़ा जरूरी है समझना। इन्नी स्पीड दे विच साडे कोल जो आ रहा है, असीं मतलब भज रहे हैं, नस रहे हैं, पार्टियां कर रहे हैं, दोस्तों च हा हा हू कर रहे हैं, पर जी नहीं रहे। और फिर तुहानू एक समय तो बाद लगता है कि मेरे नाल ही सब कुछ गलत हो रहा, मैं जिंदगी नू जीविया नहीं। और ये सब तो ज़्यादा पता कदों होएगा तुहानू, जदों जिंदगी च तुसी किधरे बीमार हो जाओगे, या फिर तुहानू पता लगेगा कि तुहाडे कोल चंद साल ने जीवन दे लई, या फिर जिंदगी तुहाडे बिल्कुल दस्तक दे के कहेगी कि मैं जा रही हूँ। तुसी तुहानू एक अचानक झटका लगेगा, तुहानू लगेगा कि ओहो मैं अपने जीवन नाल की कीता। सो अज जो है ना, चाहे वह लोग तुहाडी पसंद दे ने नहीं पसंद दे, काम पसंद दा है या नहीं पसंद दा, या घर छोटा है या छोटी जगह ते रह रहे हो, छोटे इंफ्रास्ट्रक्चर च रह रहे हो, उसनू हंडाओ, उसनू माणो। ये रोटी दे निवाले जड़े ने ना, जो तुसी खांदे हो, जो किधरे तुसी उसनू ग्रैटीट्यूड दे नाल शुकर दे नाल खाना शुरू करोगे ना, तुसी मनोगे उहदा स्वाद ही वखरा होवेगा। साडे घरां च परंपरा सी कि असी अरदास करके चीज़ां करने आ, अज भी करने आ। उहदा मतलब ये है कि असी शुकर करदे आ कि सानू अज दा ये समां मालक ने दित्ता है। सो मेरी तुहाडे के छोटी जी गुजारिश है, तुसी सारे बड़े समझदार हो, पर अज दा समां इहो जिहा कि डिस्ट्रैक्शनस बहुत ने। यानी कि किसी की वड्डी गड्डी वेखी तो बंदा कहिंदा यार मैं वेख लो सारी उम्र इत्थे धक्के खांदे रहना, मेरा कुछ नहीं बनना। किसी का वड्डा घर देखिया बंदा कहिंदा यार पता नहीं असी कदों इदां दे घरां च रहांगे। पर तुसी कदी इह नहीं देखिया कि वह लोग जिहड़े सारी जिंदगी बड़ी छोटी जी झुग्गी झोंपड़ी च जमदे तो उत्थे ही मर जांदे ने, तुसीं उन्हां नालों तो बेहतर हो। पिछे मुड़ के देखो कि तुहाडा सफ़र कित्थों कित्थों तक तुसीं पहुँच गए हो। सो जदों तुसीं शुकर करना शुरू करोगे ना तो चीज़ां दे विच बरकत अपने आप आनी शुरू हो जाएगी। जिंदगी नूं समझण दी लोड़ है, जिंदगी नूं थोड़ा जिहा जीउण दी लोड़ है, क्योंकि अगर तुसीं इन्ना ज़्यादा अपने भविख की चिंता या इन्नी ज़्यादा एक्सपैक्टेशन च जीउंदे रहे ना, तो फिर जिंदगी तुहाडे हत्थां चों निकलती हुई लगेगी ते तुहाडे कोल इहदी कंपनसेशन नहीं हो पाएगी, तुसीं इहनू कंपनसेट नहीं कर पाओगे। फिर तुहाडे कोल पछतावे तो बिना, गिल्ट तो बिना कुछ नहीं होएगा। और जदों बंदे नूं उहदियां इमोशनस भावनावां तंग करदियां ने ना, तो वह गलत रस्तियां ते चलदा है, ते गलत रस्ते इंसान की जिंदगी दे विच हमेशा ही गलत करदे ने। कोशिश करो कि जो परमात्मा ने दिता है और जो परमात्मा देने की कोशिश कर रहा तुहानू, उन्ने च शुकर करना सीखो। और सब तो वड्डी गल है कि उसनू हंडाओ, जिहड़ा घर है
ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਸ ਕੇ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਬੈਠੋ, ਇਕੱਠੇ ਬੈਠੋ, ਫੋਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਠੇ ਖਾਣਾ ਖਾਓ, ਕਿਸੇ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹੱਸੋ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰੋ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੋ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਅਤੇ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਦੌੜ ਵੱਡੇ ਹੋਣ ਦੀ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਮਿਥਣੀ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ ਜਹਾਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਅਜੇ ਉਹਦੀਆਂ ਵੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਲੈਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ? ਉਹਦੀ ਇੱਛਾ ਹੋਰ ਕਿਧਰੇ, ਰੋਕੇਟ ਲੈਣ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਧਰੇ ਹੋਰ ਹੀ ਧਰਤੀ ਵਸਾਉਣ ਦੀ? ਸੋ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਭੱਜ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਕਰੋ, ਬਲਕਿ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਣਾ ਸਿੱਖੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ